नमस्ते अय जी। तो अब हम आ गए हैं दसवां सिंबल करुणा रेखी का, जिसे हम जानते हैं ओम के नाम से। आम जुबान में ओम बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि अब आप इतने आगे आ चुके हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक मार्ग में, जिसमें आपने इतनी सारी हीलिंग साइंस सीखी है, तो उच्चारण भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि सही तरीके से सिंबल को बनाना। हम समझते हैं आउम, ए यू एम, या फिर आ उ म, आउम। समझ लिया है इसकी महत्ता कि इसका उच्चारण कितना इम्पॉर्टेंट है। दसवां और आखिरी सिंबल करुणा रेखी का आउम। अब इसके बारे में कुछ गहरी बातें बता देता हूँ, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग या तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या तो उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। अगर इस भारत देश में रहते हैं तो ओम शब्द को कहीं ना कहीं आप पहचानते हैं, और आप सबके पास एक जेनरिक बेसिक जानकारी है ओम शब्द को लेकर के। पर आज हम बींग अ करुणा रेखी हीलर इसके बारे में और गहनता से चिंतन करते हैं और गहनता से समझते हैं, क्योंकि अतः अर्थ के साथ इसका बहुत बड़ा स्वरूप है जिसके कुछ भिन्न अंगों को भी हमें समझना होगा करुणा रेखी हीलर की तरह। तो आइए समझते हैं इस ध्वनि को, आ उ म या फिर ए यू एम। समझ के लिए ही मैं फार्मूला की तरह इसे समझाने का प्रयास करूँगा। इसके अर्थ को, भावार्थ को समझना, एकदम डीप मीनिंग में जाने की, शाब्दिक अर्थों को समझने की में अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करना, समझना। इसमें जो ए है, मतलब कि अ, वो है आपका चेतन मन, मतलब कि कॉन्शियस माइंड, चेतना। ये चेतना को परिभाषित करता है, चेतना को अपनी तरफ खींचता है, चेतना को बल देता है, चेतना को कंट्रोल करता है। ये ए मतलब कि अ। आप इस शब्द से जब आउम कहते हो तो ए यू एम में जो ए है आपकी चेतना को बल देता है। जब आपकी चेतना बलशाली होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि चेतना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन चेतना से ही आप हो, आप जो भी हो अपने चेतना के बल पर हो। आपका जो स्वरूप है, आपका जो यथा स्वरूप है, जो आप अपने बारे में जानते हो, आप जो अपने आप बारे में मानते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, जो आपकी पहचान है वो आपकी चेतना से है। मैं धैर्यवान, ये मेरी चेतना की मेरी पहचान है, जो इस बचपन से लेकर अब तक इतने सालों के जो जीवन है उससे मुझे मिली है, वही मेरी चेतना है। और इसको जितना बल मिलेगा, धैर्यवान नाम के शब्द को जितना बल मिलेगा उतना ही धैर्यवान बलशाली होगा, यह विचार बलशाली होगा, और इस नाम के साथ ही मैं अपने आप को आगे बढ़ा पाऊँगा। ये सकारात्मक भी हो सकता है, ये नकारात्मक भी हो सकता है। ये मेरी पहचान है कि मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, मैं एक बौद्धिस्ट मॉन्क हूँ, मैं साधना करता हूँ। ये मेरी पहचान है, ये मैं अपने आप में मेरी पहचान है, जो मैं अपने अंदर जानता हूँ कि मैं शाकाहारी भोजन करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं इतने से सिंबल्स की रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं मंत्र जाप करता हूँ, मैं नाम जाप करता हूँ, मैं समाधि के लिए रोज़ अभ्यास करता हूँ, मैं ऐसे आहार लेता हूँ जो मेरे शरीर को, मेरे मन को उच्च स्तर पर लेकर जाए। ये क्या है? ये मेरी पहचान है। यही पहचान है जो आपको आपकी चेतना से प्राप्त होती है। तो आपके चेतना को बल देगा ये पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट, पहली वर्णमाला, जो भी कहें, पहला ध्वनि आ ए, ये पहला जो आपके चेतना को बल देगा। इसके बाद आता है यू, मतलब कि ऊ, आउम बोलने में जो दूसरा ध्वनि है वो है ऊ का, मतलब कि यू। ये है आप अनकॉन्शियस स्टेज, ड्रीम स्टेज, अचेतन, अवचेतन नहीं बोल रहा हूँ, सब कॉन्शियस नहीं बोल रहा हूँ, समझना, वो भी है, लेकिन दूसरे नंबर पे आएगा आपका अचेतन, अचेत हो जाना। जब आपको इंसान अचेत हो जाता है, स्वप्न लोक में चले जाता है, ड्रीम में चले जाता है,
चेतन मन और अवचेतन मन जो भी करता है, जब वो अचेतन मन में चला जाता है, मतलब आपके ड्रीम स्टेट में चला जाता है, जब आपके अंदर घुस जाता है कोई चीज़, तभी वो साकार होने लगता है, तभी वो मैनिफेस्ट होने लगता है। तो ये जो यू है, ये जो ऊ है, ये आपके अचेतन मन को बल देने लगता है, अचेतन आपके अचेतन शक्ति को जागृत करता है। जो अचेत है, जो अंदर अचेत अवस्था में जो शक्तियाँ होती है ना, देखो आप अचेत होगे तब भी आपके दिल की धड़कन चल रही है, अचेत है तब भी आपकी किडनी फंक्शंस, लंग्स, आपका रक्तवाहिका सब अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं, और उसी कंडीशन में कुछ स्वप्न भी आते हैं आपको अपने जीवन से जुड़े हुए। तो ये उसी चेतना को, उसी अचेतन मन को बल देता है, उसी ही शक्ति देता है। तो इसे भी आप समझ गए। अब तीसरा है, चौथा भी होगा बेटा, भूलना मत। देखो अक्षर से मिलके बना, मैंने पहले ही आपको बताया है कि शाब्दिक अर्थ में जाना, भावना को पकड़ना, क्योंकि ये कोई अक्षर नहीं है, समझो ये सिर्फ एक ध्वनि है। इसे हम अपनी समझ के लिए इस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गणित को आपके समझने या ना समझने से गणित नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, गणित वैसे भी है। हम फॉर्मूला लगा करके, हम सूत्र लगा करके, ध्यान को सूत्र लगा करके उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो ये सिर्फ फॉर्मूला है। तो इस तीनों ध्वनि के बाद, आ ऊ म ध्वनि के बाद एक और है, वो क्या है बताऊंगा, बने रहना, समझना। इसको अभी बताने का भी एक उद्देश्य है, ये पूरा लेक्चर, ये जो पूरा समझा रहा हूँ, इसका बहुत गहन उद्देश्य है, और इसमें ही सबसे ज़्यादा वक्त देने वाला हूँ, क्योंकि सबसे शक्तिशाली यही है, यही आपकी करुणा रेखी का कोर बनेगा, आधार बनेगा। ठीक है, अब आते हैं मतलब आओ, म मैंने आखिर में म बोल के बताया था कि ओम में जो म है वो है आपका अवचेतन शक्ति, अवचेतन मन को बल देने वाला ध्वनि। तो जब भी ओम बोलेंगे तो चेतन, अचेतन और अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड को बल देगा यह ध्वनि, जब आप इसे उच्चारण करेंगे। ओम को सुनाई दिया, मां के बाद को सुनाई दिया, साइलेंस, शांति, गहन, चीर, एक खिंचाव होगा ओम पूरा करने के बाद, क्योंकि आप एक ओम के बाद जब दूसरा ओम बोलेंगे तो दो ओम के बीच में जो साइलेंस होगा, ये भी अपने आप में बहुत बलशाली है, और इसकी आवश्यकता है हमारे इस पूरे हीलिंग साइंस में, आपके बल को बढ़ाने के लिए, आपके मन को स्थिर रखने के लिए। इस पूरे लेक्चर को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शब्दों का मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ आखिरी तक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये साइलेंस जो है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम कुछ इस तरीके से समझेंगे कि को उठाने वाला जो शक्ति है अपने कंधे पे, इस तरीके से उठा कर रखने वाली जो शक्ति है वो है शांति, साइलेंस। जो दो ओम के बीच में, जो दो ओम के बीच में जो साइलेंस होगा वही इस दोनों ओम को जोड़ेगा, बांधेगा और बल देगा। एक माला में जो धागा होता है ना, उस माला की उपस्थिति, उस माला की, माला का एग्जिस्टेंस उस धागे से ही होता है। अगर वो धागा नहीं तो ये माला नहीं, वो सिर्फ मनके रह जाएंगे। तो ओम के अलग अलग मनके को ये साइलेंस, ये शांति जोड़ेगा। जब आप इसे अभ्यास करेंगे, जब आप इसे प्रयोग करेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक ज़बरदस्त शक्ति से किसी चीज़ को बांध रहे हैं, और आपके भीतर एक आध्यात्मिक डिवाइन एनर्जी क्रिएट हो रही है, और यही इस ध्वनि का, इस शब्द का
अर्थ है। जैसा कि मैंने बताया था, शाब्दिक नहीं, भावनात्मक अर्थ में हम जाएंगे और आप बहुत कुछ इस चीज़ को समझ भी चुके हैं। अगर हम 7 चक्रों का अभ्यास करते हैं, 7 चक्रा प्रैक्टिस करते हैं, तो 7 चक्रा में जो आखिरी चक्र है सहस्रार चक्र, उसका भी साउंड, उसका भी बीज मंत्र हम ओम को मानते हैं। और ओम इसलिए मानते हैं क्योंकि नीचे के 7ों चक्रों के, 6 के 6 चक्रों के जो बीज मंत्र है वो इससे ही उद्गम हुए हैं। लम वम रम यम हम अम आउम सब इसके अंदर से ही पैदा हुए हैं। और जितने भी बीज मंत्र संसार में हैं, अगर हिंदू स्क्रिप्चर्स को माने तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में हम पढ़ते हैं कि जितने भी संसार में बीज मंत्र हैं, ह्रीम रीम श्रीम, ये सब ओम से ही जुड़े हुए हैं। ओम से ही किसी ना किसी तरीके से ओम ओम के साथ मिलकर ही जन्मे हैं, ओम के साथ मिलकर ही शक्तिशाली बनते हैं। तो जो लोग हिंदू स्क्रिप्चर्स को फॉलो किए हुए हैं वो लोग इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी ऐसी बातों की चर्चा नहीं करूँगा कि हिंदू या बौद्धिज़्म या जैनिज़्म, इस तरह की बातें मैं नहीं करूँगा। इसे हम सिर्फ अपनी जो व्यावहारिक समझ है, जो क्लियर है, जो सीधे है, जो साफ है, जो सफ़ेद है, हम उस पर ही बात। जो लोग आज्ञा चक्र पे कार्य कर रहे हैं, जो लोग आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहते हैं, अपने थर्ड आई का प्रयोग सीखना चाहते हैं, वो भी आउम का प्रयोग करें और वो भी अपने आज्ञा चक्र में बल को महसूस करेंगे, आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए काम कर पाए। चिंतन तो पूरी हुई ओम को लेकर के, अब कुछ आध्यात्मिक बिंदुओं को समझते हैं कि क्यों एक करुणा रेखी हीलर ओम को साधने पे कार्य करता है। समझना बेटा, हम सब दुनिया में जो मानव शरीर लेकर पैदा हुए हैं, हम सब अपने प्रारब्ध के बाद इस जीवन में आए, अपने या तो हम यहाँ अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आए हैं या तो नए प्रारब्ध बनाने के लिए आए हैं। प्रारब्ध मतलब हम बोल सकते हैं कर्म, कर्मों के जो फल होते हैं उसे ही प्रारब्ध कह सकते हैं। हम सब में अलग अलग प्रतिभा होती है जो शायद किसी और में नहीं है। हम सब में अपनी कुछ व्यक्तिगत प्रतिभाएं होती है, कुछ व्यक्तिगत क्षमताएं होती है, और ज़्यादातर लोग ताउम्र अपने जीवन भर उस क्षमताओं को नहीं पहचान पाते। उन्हें ऐसा क्या दैवी गुण प्राप्त है, ऐसा क्या गॉड गिफ्ट प्राप्त है, उस बारे में वो नहीं जान पाते। तो इस सिंबल जिसे हम ओम कहते हैं, इसके प्रयोग से हम वह गुण को अपने अंदर जागृत कर पाते हैं जो हमारे अंदर पहले से ही है और जो व्यक्तिगत रूप से हमें मिला है। हम ओम के ज़रिए इस शक्ति को जगाते हैं। ज्ञान का मूल सूत्र अगर हम कहें, ज्ञान का मूल स्रोत, उद्गम जो कहें, वो इस ध्वनि से हमें प्राप्त होती है। हमारे अंदर दिव्य चेतना जागृत होती है और जब हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और सब कुछ एकाकार है। देखो, मेरे बोलने से आपको समझ में आ रहा है ये बिल्कुल ऐसा है बेटा कि गुलाब जब, उनके बारे में मैं कितना भी बताऊं, जब आप उसे अपने मुंह में रखते हैं, जब उसका स्वाद ग्रहण करते हैं, तब आप जानते हैं कि गुलाब जामुन क्या है। अगर आप इस जीवन में कभी नींबू नहीं चखा हुआ तो नींबू का स्वाद क्या है ये अपने मुंह में रखने के बाद ही जानेंगे कि नींबू का स्वाद क्या है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं आपको कितना भी समझाऊं, किसी भी गुरु के माध्यम से कितना भी समझें, आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप इसका अनुभव करेंगे। तो इसीलिए ओम ध्वनि का उपयोग जब हम करेंगे, जब हम इसका प्रयोग करेंगे अपनी इस यात्रा में, तो हमारे अंदर ज्ञान का उदय होगा जिससे हम समझ पाएंगे कि क्या, क्यों, कैसे, कब तक हम हैं और क्या इस जीवन का उद्देश्य है। और जैसे ही ये दिव्य ज्ञान आपको अंदर से प्राप्त हो जाता है, आप कल्याण के लिए अग्रसर हो जाते हैं। कल्याण ना केवल अपने अपितु इस चराचर ब्रह्म के, आपको ये आभास हो जाता है कि ना कुछ अंदर है ना कुछ बाहर है, जो मैं हूँ वो भी वही है और जो वो है वो भी मैं हूँ। हम सब अंदर से जुड़े हुए,
और फिर जैसे ही आपके अंदर ये चेतना आ जाती है तो आप अपनी चेतना को भी परिवर्तित कर पाते हैं और उसकी चेतना को भी परिवर्तित कर पाते हैं। किसी को ठीक करने के लिए, किसी की भलाई के लिए आप उसकी चेतना को भी अपने अनुसार मैनिपुलेट कर पाते हैं, मोड़ पाते हैं। जैसे कि ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी कोई इंसान चल रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आपको मालूम है कि सामने जाके एक गड्ढा है, तो आप उसे आवाज़ देते हो, ओ भाई रुको, वहाँ गड्ढा है, मत जाओ। तो वो रुकता है, या तो वो आपकी बातों पे यकीन करता है, या तो सचेत हो जाता है, गड्ढे को देख के आगे बढ़ेगा, या गड्ढे में कुछ भी करके वो गड्ढे पे नहीं गिरेगा, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने उन्हें बताया, आपने उन्हें चेत कर दिया उन्हें। तो ये जब आप मुँह से, एक आम जीवन में एक आम इंसान मुँह से करता है, तो उसके दो कारण हैं। पहला कि उसके अंदर, खुद के अंदर ये करुणा है कि वो उसे बचाना चाहता है। ये भी तो हो सकता था कि हमें क्या करना है, वो अपना काम करे, वो अपने रास्ते जा रहा है, वो दिखेगा तो बचेगा, नहीं दिखेगा तो हम क्यों। दूसरा कि वो आवाज़ लगा के उसे बोल सकता है। तो जब ये इच्छा शक्ति आपके अंदर आ जाती है, इस चिन्ह के, इस ध्वनि के प्रयोग से ये जन्म लेता है, ये ज्ञान जब आपके अंदर जन्म लेता है, तो आपके अंदर एक शक्ति जन्म लेती है कि आप बिना आवाज़ लगाए, बिना कोई एफर्ट लगाए, केवल अपनी चेतना के माध्यम से किसी को ये बता सकते हो, ये समझा सकते हो कि ये मत करो, ये तुम्हारे लिए सही है या ये तुम्हारे लिए गलत है, इसे तुम मत करो बेटा, इस रास्ते मत जाओ बेटा, उस, क्योंकि आपको भी जैसे आपको पता था कि उस जगह गड्ढा है, गड्ढे में गिरा जा सकता है, वैसे ही आपको पता होगा कि अगले 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 साल बाद, 1 महीने बाद उसके लिए ये कार्य अच्छा नहीं होगा, तो आप उसे उस दिशा पे भेजोगे या उस दिशा से मोड़कर दूसरी दिशा में भेजोगे। ये बल आपके चेतन, अचेतन और अवचेतन, आ ऊ म से आपके अंदर डेवलप होगा। जिसका ध्यान रखना, यह चिन्ह, यह जो ध्वनि है, सांसारिक बंधनों से अरुचि पैदा करने लग जाता है, रुचि खत्म होने लगती है सांसारिक बंधनों से। सुनने में थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा है, समझना, इसलिए इस पर आपका कंट्रोल, आपको ये मालूम होना चाहिए कितने बंधन में आप रहना चाहते हो, कितने बंधन से आप विरक्त होना चाहते हो। विरक्ति आनी शुरू हो जाएगी सांसारिक बंधनों से, माता पिता, बेटा पुत्र, पत्नी, दोस्त यार, घर परिवार, ये सबसे विरक्ति आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कंट्रोल आपको करना है कि कब आपको विरक्ति चाहिए, कब आपको विरक्ति, कम विरक्ति चाहिए, या कब आप अटैचमेंट विद डिटैचमेंट में रह सकते हैं। आपके हाथ में ये तीनों कंट्रोल होगा कि आप अटैच होके रहें, या अटैच विद डिटैच होके रहें, या कंप्लीटली डिटैच हो जाएं। तो क्योंकि ये यात्रा लंबी है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बस इतना के बाद मुझे और आगे नहीं बढ़ना है, या इतने के बाद मुझे और आगे बढ़ना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गुरु के साथ रह करके, अपने मेंटोर के साथ रह करके आप इसे डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, ये मेरी सलाह है। एक बात हमेशा ये याद रखना कि ये ध्वनि हमेशा आपकी आज्ञा चक्र को शक्ति और बल प्रदान करते जाएगा। जब भी सहस्त्रार चक्र को बल मिलता है, सबसे पहला बल आता है आज्ञा चक्र पर। तो केवल अम ना करके औम का आप उच्चारण करते हैं, तो आपके सहस्त्रार चक्र और आपकी आज्ञा चक्र को बल मिलता है। आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं, अभी आपको क्या करना है, अभी आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अभी आपके क्लाइंट, आपके पेशेंट, आपके मरीज के लिए क्या करना उचित होगा, कौन सा सिंबल बनाना उनके लिए सबसे उचित होगा, कौन सी रेमेडी देना उनके लिए उचित होगा, कौन सा परहेज, जिसे हम कहते हैं, कौन सा परहेज उनसे कराना चाहिए, इन्हें सूर्य की रोशनी में रखना उचित है, चंद्र की रोशनी में रखना उचित है, इनको ये ब्रेसलेट पहनाना उचित है, इनको खाली पैर ज़मीन में चलाना उचित है, घास में चलना उचित है,
इस तरह का इस गर्म पानी पीना उचित है, ठंडा पानी पीना उचित है, उपवास करना उचित है, दिन के 6 घंटे उपवास, 12 घंटे उपवास या 16 घंटे उपवास करना उचित है, ये सारी आभास आपको आपके इस प्रयोग से मिलेंगे जो कि आप आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पे करेंगे, ओम शब्द का उच्चारण करके। ये आपको शून्य तक पहुंचाएगा, शून्य। आ समझ पाए, आपको सिर्फ मुंह खोलना है, आवाज़ निकालना है, और आवाज़ मुंह को बंद करते 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 आपको आवाज़ में ध्वनि में कुछ भी काम नहीं करना, केवल आपको मुंह को धीरे धीरे बंद करते जाना है, वो अपने आप आओ हो जाएगा। ये कब आपको, ये अभ्यास कब आपको शून्य में लेकर चले जाए आप नहीं जानते। ये घटना आपके भीतर कभी भी घट सकती है। मेरे साथ ये घटना 16वें दिन में घटी थी, किसी के साथ 7वें दिन में भी घट सकती है, किसी के साथ 21वें दिन में घट सकती है, कभी कभी 40-45 दिन भी लग सकते हैं। तो ये समाधि है जो हम शून्य बोल रहे हैं, वो आपको सीधे समाधि में लेकर के जाएगा, सुपर कॉन्शियस स्टेज में लेकर के जाएगा। ये इतना प्रभावशाली है। लेकिन इसकी महत्ता में बताना शुरू करूं तो ये अंतहीन हो जाएगा। अब हम सब इसे बनाना जानते ही हैं, लेकिन फिर भी ओम को कैसे बनाएंगे, कैसे इसे उकेरेंगे, इस ध्वनि को एक आकृति में हम कैसे उकेरेंगे, ये आप जान लीजिए। है ओम, ऐसे सिर्फ ओम नहीं कहना है, ओम कहना है, मतलब कि ए यू एम। बहुत लोग इसे ओम कहते हैं लेकिन ये ज़्यादा उचित है। इसे एक और नाम दिया गया है, नाम से जाना जाता है अध्यात्मा। अध्यात्म भी कहा जाता है अध्यात्मा, लेकिन ये ज़्यादा काम नहीं आएगा आपके, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम इसे ओम के नाम से ज़्यादा जानते हैं, हम देख के ही इसे ओम बोलते हैं। तो सिंपल है, 1, 2, 3 and 4। तो अगर मैं इन्हें आपको नहीं भी दिखाता हूँ तो आप इसे देख के सबसे पहले आपके मुंह में यही आएगा, ओम। तो ये ओम है, और इसे ओम पढ़ें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो जब भी इसे इंचेंट करेंगे तो ओम 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 ऐसा इंचेंट करेंगे, बाकी चर्चा वीडियो में। देखा आपने, ये बहुत ही आसान था। देखा जाए तो सबसे आसान बनाने की विधि इसकी ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा बलशाली, सबकी माँ है बोल सकते हैं, सभी सिंबल का जन्म इस एक ध्वनि से हुआ है। आशा करता हूँ करुणा रेखी का यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यह आखिरी सिंबल था, इसके बाद करुणा रेखी में और भी बहुत कुछ जानना समझना है, और बहुत कुछ आप अपने भीतर खोजेंगे जो आने वाले समय में आप मुझे भी बताएंगे। नमस्ते है जी।